नमस्ते और हेलो सभी को। आपके सामने है भिंडी की झोर वाली सब्ज़ी। ये रोटी और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम भिंडी को ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे और तैयार करेंगे इसका झोर। उसके लिए आप ले पीली वाली सरसों और 6 से 7 कलियां लहसुन की और पानी डालकर इसे पीस लें। ऐसा स्मूथ पेस्ट दिखना चाहिए। अब कढ़ाई में डाले तेल, मैंने सरसों तेल यूज़ किया है, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। गर्म होने के बाद हमने डाला है राई और सूखी मिर्च और सरसों लहसुन का पेस्ट। आप इसमें पानी डालकर भी अच्छे से निकाल लीजिए, कुछ भी पेस्ट बचा नहीं रहना चाहिए। अब चलाकर थोड़े देर इसका पानी उड़ने दें। जब पानी थोड़ा कम हो जाए, डालें इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इससे मसालों का टेस्ट उभर कर आता है। अब इसे आप तब तक भुने जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब डालें इसमें अपनी भिंडी और साथ ही साथ नमक, ताकि ये अच्छे से गल सके। आपको इसे ढककर थोड़ी देर भूनना है। जब ये ऐसा दिखने लगे, डालेंगे इसमें पानी और ढककर तब तक उबालेंगे जब तक झोर इतना गाढ़ा ना हो जाए। तो बस, आपकी झोर वाली भिंडी की सब्जी तैयार। इसे मैंने डिनर में बनाया था, साथ में आम और गर्म गर्म सूखी रोटी। अगर आपको आज की डिश पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय।